हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी कुकिंग विद सुचिता। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रक्षाबंधन बस आने ही वाला है, तो अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की मिठाइयाँ बताऊंगी। तो मेरे बालूशाही की रेसिपी तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग मार्केट स्टाइल की बेसन की बर्फी घर में किस तरीके से बना सकते हैं। और जो मिठाइयाँ हम लोग घर में बनाते हैं जनरली वो मार्केट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो चलिए हम लोग बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले है बेसन, क्योंकि हम लोग बेसन की बर्फी बना रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी डालने से जो बेसन की बर्फी है वो थोड़ा सा क्रंची बनती है। उसके साथ ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए, और मीठे के लिए थोड़ा सा चीनी, और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे घी। तो ये मेरा घर का बनाया हुआ घी है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए अब बेसन की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लोग बेसन और सूजी दोनों को डाल देते हैं, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको हम लोग ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे, मतलब हल्का सा इसको भूनेंगे बिना घी के। तो जब ये हल्का सा एक दो मिनट भून जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे करके घी डालेंगे। हम लोग यहाँ पे आधा कप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आधा कप घी इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालेंगे और उसको इसमें हम लोग अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जब इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम बाकी का जो रिमेनिंग घी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब भी हम लोग बेसन को घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे से लम्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से प्रेस करते हुए उसको हम लोग हटाते जाएंगे। तो इसको हम लोग को बिल्कुल लो फ्लेम पे हमको इसको भूनना है। तो जैसे जैसे ये भूनता जाएगा आप देखेंगे कि जो बेसन है वो घी अलग करने लगेगा। जैसे कि आपने पहले देखा था कि जो बेसन है वो हल्का सा ड्राई था, अब देखिए उसने घी छोड़ना चालू कर दिया है, तो अब ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो इसी तरीके से हमको इसको धीरे धीरे भूनना है। आप थोड़ी देर में देखेंगे, 10-15 मिनट बाद देखेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी बेसन के भूनने की सुगंध आने लगेगी। तो उस कंडीशन में हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम लोग चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम लोग डालेंगे चीनी, और जितना हम लोग ने चीनी डाला है उससे आधा हम लोग पानी डालेंगे, और बस इसको हम लोग चीनी के घुलने तक इसका वेट करेंगे। और इसमें हमको बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमको बस इसकी एक तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। तो अब देखिए जो चाशनी है वो हमारी बन गई है, तो अब इसको हम लोग बर्फी में डाल देते हैं। तो इसको अब हम लोग डालेंगे भुने हुए बेसन में, और यहाँ पे हम लोग ने जो गैस की फ्लेम है उसको ऑन कर ली है, और बस ये चाशनी इसमें हम लोग डाल के इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको हमको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा, तो नहीं, इसको हमको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो बेसन है वो हमारा गाढ़ा हो जाएगा, और जिस तरीके का बर्फी के लिए हमको चाहिए है उसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमकी आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके का ही हमको बर्फी के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये अब हमारा बेसन की बर्फी के लिए ये तैयार हो चुका है। तो ये एक मैंने बर्तन लिया है, इसमें मैंने नीचे घी लगा लिया है। अब जो ये बर्फी का डो है उसको अब हम लोग इसमें डाल देते हैं, और इसको अब हम लोग इस बर्तन में अच्छे से फैला लेंगे। तो इसमें हमको जितना मोटा बेसन की बर्फी चाहिए उतना हम लोग इसमें डो फैला लेंगे। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं किया, इसलिए मैंने इसको पूरे बर्तन में फैलाया। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मोटे बर्फी चाहते हैं तो उसको आधे बर्तन में भी फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे कटे हुए काजू और बादाम, इससे बेसन की बर्फी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि काजू और बादाम बेसन में अच्छे से सेट हो जाए।
और अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग इसको ठंडा करके क्यों नहीं काट रहे हैं। भाई कई बार क्या होता है कि जब हम लोग बेसन की बर्फ़ी को निकालते हैं तो वो अच्छे से कटती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको पहले ही गर्म में उसको काट लेंगे, उसके बाद हम उसको ठंडा करेंगे। इससे जो बेसन की बर्फ़ी है वो अच्छे से कट भी जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से निकल आएगी। तो बस अब इसको हम लोग ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए अब जो बर्फ़ी है बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम लोग इसको जैसे हम लोग ने पहले काटा था, बस एक बार हम लोग और वहाँ से इसमें हल्का सा मार्क लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसमें हल्का सा मार्क लगा देंगे और देखिए जो बेसन की बर्फ़ी कितने अच्छे से निकल के आई है, किनारे इसका कितना अच्छा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से ये कटी पिटी नहीं है। इसलिए हम लोग ने इसमें पहले से थोड़ा सा मार्क लगा दिया था, इससे ये इजली और जो इसके साइड्स हैं कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कट के आए हैं। तो बस अब हम लोग इसको निकाल के हम लोग इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ये इंस्टेंट बेसन की बर्फ़ी हमारी बन के तैयार है। तो है ना ये राखी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मिठाई। तो इस मिठाई को आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। डेफिनेटली ये आपके भाइयों को आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये मेरे बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।